हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूँ इन दो घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है, ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो ताकि आपको चंदा मिले। तो ये बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बिल्कुल जो जांच, ये अलग अलग तरीकों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, उस पर मैं समझता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूँ इन दो घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है, ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो ताकि आपको चंदा मिले। तो ये बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बिल्कुल जो जांच, ये अलग अलग तरीकों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, उस पर मैं समझता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।